तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल में फॉर्मेट क्रिएशंस। फॉर्मेट क्रिएशंस में हम एक फॉर्म आपके साथ बनाने वाले, जैसा फॉर्म दिख रहा है ना, सेम फॉर्म बनाने की कोशिश हम करेंगे सर। अब फॉर्म की जरूरत, मैंने इस तरह की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि हमें कोई भी रिपोर्ट बनाना होता है तो उस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट ही तैयार करते हैं। जैसे आप सामने दिख रहा है आपको यहाँ पे ए फॉर्मेट, रिपोर्ट्स है, फॉर्मूले है, लेकिन इसमें मेन क्या है, फॉर्मेट जो दिखता है क्या है, जिसे अट्रैक्टिव लग रहा है, ए फॉर्मेटिंग है। तो इसी फॉर्मेटिंग क्लास में हम आपको बता रहे हैं कि ए रजिस्टर वाला फॉर्म जो है कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ना सर, तो हम एक एरिया बैकग्राउंड में ले लेते हैं, एक ज्यादा ही ले लेते हैं, बाद में इसको हम हटा देंगे। और मैंने कलर नहीं है, आई थिंक ए इसके बाद हम यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा हो ग्रे कलर, जितना एरिया में हमें रखना है उसको हम ग्रे कर देते हैं, बाद में जो कमे और ज्यादा होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है सर, ठीक। अब ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है इसके लिए हम सेल को मर्ज करते हैं। ये लेकिन लाइनिंग है ना, तो अच्छा लाइन हम ले लेंगे इससे ऊपर से, फिलहाल हम इसको डैश ही रखते हैं। हमें सिंगल कोड लगाना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस से क्या होता है आपका फॉर्मूला शुरू हो जाता है, इसलिए वो फॉर्मूला का लिस्ट आ रहा था रजिस्टर। और हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब इसको हम यहाँ से बड़ा करते हैं, ये ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और है सर कि ये जो आपका ये दिख रहा है ना, ये जो इसकी कलर जो है ग्रे होना चाहिए था, रजिस्टर तो ठीक है ब्लैक, बट इसका कलर ग्रे होना चाहिए था। हमने इसको क्लिक किया और हम इससे यहाँ से फॉन्ट कलर ग्रे दे देते हैं। ठीक है सर, तो किसी भी सेल के अंदर पर्टिकुलर वन करेक्टर को, मैं एक करेक्टर एक टेक्स्ट को कर सकते हैं, एक ही सेल में हम कर रहे हैं ना दो तरह के कलर, हाँ ये चीजें आप कर सकते हैं राइट सर। और इसके बाद यहाँ स्लोगन है तो हमने इसको मर्ज करते हैं, और यहां हम देते हैं क्रिएट क्रिएट योर अकाउंट इट्स फ्री एंड ओनली टैक्स ए मिनट। और सबसे पहले तो इसको हम यहाँ स्टार्ट, ये हो जाएगा चेंज की दिक्कत नहीं, इसकी कलर चेंज कर देते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी ये फॉन्ट कलर है, ये फॉन्ट कलर हमारा। अब बात करते हैं नेम, तो इसको बहुत छोटा करेंगे,
और इसको थोड़ा करेंगे बड़ा और इसको करेंगे और थोड़ा सा बड़ा, इसकी कलर कर देंगे वाइट। वाइट के साथ वापस हम फॉन्ट में आते हैं, बॉर्डर में आते हैं और इस बॉर्डर में हम यहाँ से बॉर्डर का जो कलर है वो इस ग्रे कलर का हम लेते हैं और हम इसको चारों तरफ से दे देते हैं। दिख रहा है सही सर? और इसके बाद हम इस वाले पार्ट को छोटा करते हैं और फिर हम अपने इसको बड़ा करते हैं और फिर इसको भी सेम फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेके पेंट कर सकते हैं। राइट सर? ठीक। और ये फालतू जगह है उसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन छोड़ें और ईमेल के लिए ईमेल का भी साइज उतना ही बड़ा रखेंगे। ईमेल का और ईमेल के लिए इसको हम बड़ा कर देते हैं। इसकी जो बॉर्डर है ना, इसकी बॉर्डर हम यहाँ सिर्फ ऊपर में रखेंगे, बीच में बॉर्डर नहीं रखेंगे और कलर जो है हम सेम रखते हैं और ये वाली बॉर्डर लेते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। और सेम हमारा पासवर्ड के लिए भी सेम चीज़ है यहाँ पे, तो इसको भी हम बड़ा करते हैं और पासवर्ड का भी हम ऊपर का जो फॉर्मेटिंग है इसी को हम फॉर्मेट प्रिंट से नीचे प्रिंट कर देते हैं। पासवर्ड आ गया। अब आता है कन्फर्म पासवर्ड, तो एक लाइन छोड़ते, एक लाइन यहाँ से एक इसको भी सेम उठाते हैं और एक लाइन छोड़ के 13 छोड़ के 14 पे 13 छोड़ दिया हमने, 14 पे भी सेम कर देते हैं और इसकी साइज को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है सर? थोड़ा सा छोटा इसको रखते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स के लिए हम यहाँ डेवलपर में आते हैं और यहाँ से हम चेक बॉक्स ले सकते हैं। ये इतना ही छोटा ही करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें इसको इसमें टाइप करना पड़ेगा आई, अभी उसको सही करेंगे चेकबॉक्स को, आई एक्सेप्ट द टर्म ऑफ यूसेज यूज एंड प्राइवेसी। लेकिन ये चीज यहाँ आ गया, ये चीज यहाँ नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास एक इनलेन ऑप्शन होता है, समझे? इंडियन के माध्यम से थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ और फिर ये जो हमने लिया हुआ है ना इसको जो है अपने हिसाब से एरो की से जगह पे, माउस से करना है तो माउस से कीजिए, एरो की से करना है तो एरो से की से कर दीजिए और राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट कंट्रोल में गया और इसको 3D कर देता हूँ। 3D करने पे क्या होगा कि इस तरह से 3D इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट कंट्रोल में हम इसके लिए इसका यूज करते हैं। कलर्स के लिए कलर फिल है या नो फिल है, तो एक बार उसको ग्रे फिल कर देते हैं, नहीं तो बैकग्राउंड भूल गया। ठीक है, फिर भी इतना। उसके बाद रजिस्टर के लिए हम यहाँ से न्यू इंसर्ट करते हैं और पिक्चर्स सैप्स में, सॉरी सैप्स में हमने ए वाली सैप्स को लेते हैं और यहाँ से हम उसको ड्रैग करते हैं, इसमें हम इसको ले लेते हैं, लेकिन ये इस तरह का नहीं बना हुआ है तो यहाँ, हाँ अब इस तरह से सेम है, इसमें ले देते हैं।
रजिस्टर नाउ। उसके बाद हम यहाँ होम पे आते हैं, इसको मिडल करते हैं और इसकी साइज को हम बढ़ाते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है सर, अब नीचे जो इतना सारा फालतू स्पेस बचा है उसको हम करते हैं डिलीट और थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और फिर इसे यहाँ पे देते हैं ऑल Already have a have an so have an account SIGN और इसको करना है हमें अंडरलाइन बोल्ड और अंडरलाइन और इसकी कलर करनी है हमें वाइट। अब जो यहाँ फालतू का इधर भी ये स्पेस है इसको भी तो हमें रिमूव करना होगा। ठीक है सर, थोड़ा सा इसको हमें छोटा कीजिए और यहाँ इसको छोटा कीजिए। क्लिक नहीं करना, रजिस्टर हट जाएगा। सेम लग रहा है सर? हाँ ठीक है। थोड़ा सा ये जो है हमको लग रहा है बड़ा, मैंने ये इसकी साइज बड़ा लग रहा है। लगभग सेम हो गया। लगभग सेम, अब सेम हो गया। अब इसमें ये तो चलो ठीक है, अब हो गया। अब इसमें कुछ काम है। सबसे पहला काम इसमें यह है कि आपको यहाँ जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है ना सर? हेलो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है। हाँ, तो वो कैसे आएगा? यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ कैसे आएगा, लास्ट नेम लिखा हुआ कैसे आएगा? तो इसके लिए ये जो बगल में आपको यहाँ दिख रहा है ना, इस पे करेंगे हम काम। इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम। पर प्रॉब्लम ये है कि ये फर्स्ट नेम जो हमने लिखा वो आगे कैसे दिखेगा। सबसे पहले इसको हम सेंट्रल करते हैं और यहाँ इंडेन हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया इसको सर, इस इंडेन से इसकी पोजीशन को सेट करेंगे और इसकी कलर करते हैं हम ग्रे हल्का सा। उसके पहले वाले सेल में लिखने से इधर मूव हो गया। हाँ, इंडेन है ना, इंडेन जैसे कुछ भी लिखते हैं ना, जहां पोजीशन करना है वहां इसको पोजीशन कर सकते हैं। अब इसमें हमें एक काम दिक्कत है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग जो ब्रैकेट है ना सर, वो तो गायब हो गया ना इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस अभी इसको इसका भी इलाज हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। यहाँ एक और रो हमें इंसर्ट करना होगा और इसको ये फॉर्मेट जो यहाँ है सेम फॉर्मेट हम यहाँ डालते हैं, इसको और छोटा यहाँ पे स्पेस के लिए। इसमें हमारा हो जाता है लास्ट नेम और इसको भी जो है मूव पर में सेंट्रल मूव सेंट्रल नहीं करते इसको। हाँ, इसको हमने ऊपर कर दिए, कलर ग्रे कर दिया और इंडेंट से हमने इसको यहाँ पे पैलेस कर दिया। बोल्ड करना है हमें, बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आता है ईमेल आईडी, ईमेल ईमेल सेम हमने इसको सेंट्रल किया और हम इसको यहीं पे पैलेस कर देते हैं यहाँ से इंडेक्स और इसको भी ग्रे बोल्ड। ईमेल के बाद यहाँ आता है पासवर्ड, पासवर्ड और पासवर्ड को भी हम यहाँ से ग्रे बोल्ड और मिडल
और यहां से इसको जगह पे हम इसको डाल देते हैं, राइट। और यहां हो जाता है हमारा कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड को भी मिडल ग्रे एंड बोल्ड और इन नेम से इसका लोकेशन हमें डाल दे। अब तो सही है, लेकिन सबका स्टार्टिंग में जो एक बॉर्डर है ना वो हटेगा, वो हटेगा क्योंकि इसके यहाँ पे हमने टाइप कर रखा है। अब इससे फायदा क्या पता है सर आपको, जैसे मैं यहाँ पे पूजा लिखूंगा तो पूजा दिख रहा है सर, जैसे पूजा डिलीट करूंगा हट गया ना, वापस नाम आ गया, समझे सर कि नहीं? पूजा लिखा तो रहेगा। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ तो कर्सर रखा और जैसे मैंने यहाँ पे उदय लिखा तो हमारा लास्ट नेम हट गया ना सर, फर्स्ट नेम हट गया ना, नहीं दिख रहा है ना सर? हाँ, नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं उदय को डिलीट करूंगा वापस दिखेगा, दिखेगा। यहाँ पे मैंने ओम लिखा, जैसे ओम को डिलीट किया दिख गया, ऐसे ईमेल आईडी में मैंने लिखा, ईमेल आईडी कुछ लिखा, ईमेल आईडी हट गया, जैसे मैंने डिलीट किया ईमेल आईडी वापस आ गया। तो बेसिकली क्या है कि हम टाइप इसमें कर रहे हैं लेकिन जो टेक्स्ट है इससे पहले वाले सेल में, और इस पहले वाले सेल को मैं बहुत ही छोटा कर देता हूँ जो दिखे ही ना, ठीक है। और इस पे हम फॉर्मेट, क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं है तो फॉर्मेट में जाते हैं, बॉर्डर में जाते हैं और हम इसको बस ए वाली बॉर्डर, ऊपर वाली बॉर्डर, नीचे वाली बॉर्डर लगा देते हैं और जो बीच वाली बॉर्डर है इसको हटा देते हैं, ठीक है। हो गया सर? हो गया। हाँ, इसमें भी हम F4 करते हैं। F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। तो एक में लगाया, F4 कर दिया, और यहां भी हमें F4 करना होगा। और इसकी जो है इतना छोटा कर देता हूं इसको भी, जो पता ना चले कि इसके अंदर कोई सेल भी है, बट बॉर्डर दिखेगा, ठीक है। अब इसकी जो है, अब हर जो सेल था सबको सेंट्रल में एंड टॉप में कर देता हूं, सेंट्रल टॉप, और इसको कर देता हूं मैं बोल्ड एंड ब्लैक, जो हमारा कलर है ब्लैक था ही, इसको भी कर देता हूँ बोल्ड। ईमेल आईडी को भी सेम, इसको भी कर देता हूँ बोल्ड और सेंटर। अब यहाँ पे पासवर्ड पे, यहाँ पे है पासवर्ड पे क्या है कि पासवर्ड में चाहता हूँ कि कुछ भी टाइप हो। अब इसको मर्ज नहीं किया, ध्यान रखिएगा, मर्ज करूंगा, अगर मैंने इसको मर्ज कर दिया तो ये पासवर्ड जो दिख रहा था वो गायब हो जाएगा सर। सो मर्ज यहाँ सुटेबल नहीं है, राइट सर? तो मर्ज नहीं करेंगे? नहीं, मर्ज नहीं करना, यहीं पे अब यहीं पे क्लिक करके लिख लेंगे ना। अब यहीं पे लिखेंगे तो लंबा होगा तो यहाँ तक तो दिख ही जाएगा ना आगे तक। हाँ, ठीक है। अब इसमें अगला अवसर आता है पासवर्ड, कि मैं कुछ भी पासवर्ड लिखूं तो वो क्या हो जाए, स्टार में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम कस्टम पे जाएंगे, इसके लिए हम कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, हमने क्या किया था, हमने दो स्टार डाल दिए थे, पर दो स्टार डालने से सिर्फ नंबर हुआ, टेक्स्ट नहीं होता था, टेक्स्ट नहीं होता था ना सर? तो टैक्स के लिए हमें स्टार नहीं, हमें दो स्टार तो डालने हैं, लेकिन वो जो बताया था ना पॉजिटिव नेगेटिव और वाला जो हमने कंसेप्ट बताया था उसको फॉलो करते हुए, कि नेगेटिव भी आए तो यहां पे दिखे और फिर जीरो आए और फिर यहां पे टैक्स आए तो दिखे, राइट। अब ये चीज भी हम यहाँ F4 से अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई पासवर्ड डालेगा और जैसे एंटर मारेगा डैश हो जाएगा, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो या नंबर टेक्स्ट दोनों, समझे? तो ये हमारा फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हुआ। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं
और यहाँ हम इसको बाकी जो फालतू के एरिया बचे हैं इसको यहाँ पे हम कर देते हैं हाइड, और नीचे का भी जो फालतू एरिया है उसको भी सिलेक्ट करके कर देते हैं हाइड। तो अब क्या हुआ कि इस सीट पे आपका उतना ही डेटा दिखेगा जितना डेटा आपका ये है फॉर्म में। अब इसकी मदद से आप बोलेंगे कि इसमें बेनिफिट क्या है, अब आगे जो वीवी प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोग सीखेंगे तो इस वीवी प्रोग्रामिंग में हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से हम बटन से कनेक्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करें और रजिस्टर पे क्लिक करें तो एक अलग सीट के डेटा सीट पे वो जाके हो जाए, आपका सेव हो जाए। तो ये चीजें वीवी प्रोग्रामिंग में है, तो वीवी प्रोग्रामिंग जब आगे की आए टॉपिक आपकी आएगी तो उसमें आप इस चीज को सीखेंगे, लेकिन मस्ट वीवी प्रोग्रामिंग हम तभी करेंगे ना जब इसमें करेंगे। अब इसमें एक चीज और भी है, हम कंट्रोल प्रेस करके हमने क्या किया अपने उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया जहां हमें टाइप करना है, फिर राइट क्लिक करके हम चल जाएंगे फॉर्मेट सेल में, और इस फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन में हम कर देंगे लॉक्ड को अनचेक्ड, राइट सर। अब पासवर्ड देते हमें सीट के ऊपर राइट क्लिक करके पासवर्ड पे जाएंगे और यहाँ सिलेक्ट लॉक्ड सेल है सिलेक्ट अनलॉक सेल के अनचेक कर देते हैं और एडिट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देते हैं ताकि हम इस बटन वगैरह पे क्लिक कर सकें एंड ओके। अब देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, मैंने पूजा टाइप किया और टैब दिया, अगला गया पूजा सिंह, एंटर प्रेस किया, ईमेल आया और इस ईमेल आईडी में मैंने डाला मान लीजिए kumar@iptindia.com। फिर टैब वाला नीचे आया तो फॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है सर, पासवर्ड हमने डाला 12345 12345, उसके बाद हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, मैं रजिस्टर, ये तो फॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए इसी जब हम फॉर्म बनाते हैं इसी तरह का हमारा एक ए होता है जो अभी आप देख रहे हैं ना सर, एक तरह का इसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर होते हैं, डिजाइन होते हैं, फिनिशिंग होता है। अब इस प्रोजेक्ट को किसी को भी दिखाओगे देखा है कि हाँ जिसने बनाया है ही इज अ परफेक्ट इन द एक्सेल। अच्छा वीडियो प्रोग्रामिंग में यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एक्सेल में दूसरी जगह डाटा, हाँ दूसरे सीट पे दूसरे फाइल पे एक्सेस में ओरिकल में जहाँ भेजना चाहो भेज सकते। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम कहीं बीआई क्या होता है, बीआई से पावर बीआई होता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, क्या यूज है उसको डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, देख लीजिए ना मेरे चैनल में बहुत सारे, ठीक है। बीआई टूल मतलब एडवांस एक्सेल के बाद का चीज होता है क्या, वो एक्सेल का टॉपिक नहीं है, वो एक्सेल नहीं है, वो अलग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, बट ऑफिस में यूज होता है राइट। हाँ अभी अब तत्काल में क्या होता है कि कोई भी रिपोर्ट को क्विकली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और इसको यूज कर लीजिए। अभी 10 में से 4-5 वैकेंसीज पे पावर बी आई का डिमांड है, ये है पावर बी आई। इसमें आप क्विकली रिपोर्ट बना सकते हैं, बट इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस को कनेक्ट करके रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए फॉर्म की, कुछ और फॉर्म बनाने की कोशिश की जैसे मैंने बनाया है प्रोटेक्शन की तरह, ठीक है, उसके बाद इसका यूज कर सकते हैं आगे, राइट सर। देखिए इस तरह का रिपोर्ट बनता है, पावर बीआई है और पावर बीआई में कुछ इस तरह के रिपोर्ट।